नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं IBN 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। सभी बुरहानपुर वासियों को नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है कि मौसम में बदलाव आ रहा है और ये बदलाव जो है निसर्ग तूफान की वजह से है। निसर्ग तूफान की वजह से बहुत ही तेज गति से हवाएं चलने की संभावना है। अगले 3 दिनों में बारिश होने की संभावना है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो अपनी अपनी फसल की सुरक्षा करें, फसल को भीगने से बचाएं। साथ ही मेरा सभी शहरवासियों से अनुरोध है कि अनावश्यक रूप से कहीं पर भी बाहर ना जाएं अगले 3 दिनों के लिए। अपने घरों पर ही रहें, किसी भी पेड़ के नीचे या बिजली की तार के नीचे, खंभे के नीचे या ऐसी कोई भी चीज़ जो वायु की गति से प्रभावित हो सकती हो वहाँ पर अनावश्यक रूप से ना खड़े रहें। आप अपने घरों पर ही रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें। जिला प्रशासन ने अपने सभी अधिकारियों को इस बाबत सचेत कर दिया है कि तूफान आने की स्थिति में हमें क्या क्या चीजें करनी है। डिस्ट्रिक्ट कमांडर होमगार्ड को भी निर्देश जारी किए गए हैं, नगर निगम को निर्देश जारी किए गए हैं, सभी राजस्व अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं, पुलिस के लोगों को बताया गया है, सभी कोटवारों को गाँव में मुनादी करने के निर्देश दिए हैं। मेरे सभी लोगों से अनुरोध है कि निसर्ग तूफान की संभावनाओं को देखते हुए आप लोग अपने अपने बचाव के लिए जो आवश्यक उपाय होने चाहिए वो स्वयं करें। जिला प्रशासन तो मुस्तैद है, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ हमें सूचित करनी हो तो हमारे कंट्रोल रूम पे या हमारे अधिकारियों के मोबाइल नंबर पे सूचित करेंगे। आपके सहयोग से हम इस 2-3 दिन का जो ये वातावरणीय बदलाव है इसमें भी अपने आप को सुरक्षित निकाल के लेके जाएंगे। धन्यवाद। तो में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ IBN 9 न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ साधना सिंह।